मध्य प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और उसके बाद लगातार भीड़ इसमें नज़र आ रही है। टॉकीज पर जो हैं लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन फिल्म देखकर जो लोग आ रहे हैं उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर फिल्म कैसी लगी है। यहाँ हमारे साथ में बहुत से लोग हैं जो फिल्म देखकर आ रहे हैं। कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी है। क्या खास है फिल्म में? फिल्म में जो अपने हिंदू कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है वो बताया गया है एक्चुअल में, और बहुत ही अच्छी मूवी है, सभी को आना चाहिए, देखना चाहिए इसमें। अच्छा, एक चीज़ बात ये निकल के आ रही है कि इस फिल्म के बाद ये कहा जा रहा है कि किसी पार्टी विशेष ने, समुदाय विशेष के लिए फिल्म की बात है, या पार्टी ने इसको, बीजेपी ने ही इसको उठाया है फिल्म को, क्या लगता है ऐसा? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो हुआ है एक्चुअल में बताया गया इसमें कि कैसे प्रताड़ित किए गए हैं कश्मीरी हिंदू, वो चीज़। क्या करते हैं आप? मेरा नाम सुदर्शन प्रजापति, मैं बीए स्टूडेंट हैं। खुद मर्जी से देखने आए फिल्म की, बोला है किसी ने? नहीं, मर्जी से, बिल्कुल ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मूवी है। क्या नाम है आपका? निशांत गौरव। निशांत, कैसी लगी फिल्म? फिल्म अच्छी थी, उसमें अनुपम खेर का जो रोल दिखाया गया वो भी काफ़ी बढ़िया था, वो भी कश्मीर से हैं और वो कश्मीरी पंडित है, उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया। फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरह से कि फिल्म को कुछ पार्टी भी अपने थ्रू उसको एजेंडे में शामिल कर रही है, ऐसा लगता है, नज़र आता है? नहीं, फिल्म में जो भी रोल, जो भी किरदार किया गया, इसमें किसी पार्टी या फिर किसी विशेष को कुछ दिखाया नहीं गया इसमें। आपको लगता है कि अगर ऐसे किया जाएगा, पार्टी किसी विशेष किसी फिल्म को प्रमोट करती है तो उस पार्टी को फ़ायदा मिलता है? नहीं, इसमें तो मतलब जैसा मैंने ये फिल्म देखा उसमें इस तरीके का कुछ दृश्य दिखाया नहीं गया है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता। सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा सोचना भी चाहिए किसी पार्टी को वो सपोर्ट किया जाए। मैम, कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी मूवी थी। क्या खास लगा फिल्म? उसमें जो रियल एक्सपीरियंस, जो हम लोग यहाँ से बैठ के कश्मीर के लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकते, लेकिन इस मूवी ने हमें ऐसे महसूस कराया जैसे हम खुद कश्मीर में हैं, उनके दर्द को समझना, उनकी जो घटनाएं थी, जो रियल घटनाएं थी, उन्हें अंदर तक झंझोर दिया है, जो भारतीय कश्मीर से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो ये मूवी उनको कश्मीर से कनेक्ट करवाएगी, जो रियल में हुआ था वो महसूस करवाएगी। लग रहा है कुछ पॉलिटिशियंस और लोग भी लगातार जो पार्टीज़ हैं इसको आगे बढ़ा रही हैं फिल्म को, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पार्टियों का एजेंडा है ये तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकली तो कुछ नहीं है, उस समय पॉलिटिकली कुछ हुआ हो तो वो अलग बात है, लेकिन मूवी में ऐसा कुछ नहीं दिखा गया है जिससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो या पॉलिटिकल मतलब कुछ हो। आपको लगता है कि आज के समय में जो पार्टियाँ हैं उनको इस फिल्म से फ़ायदा मिलेगा, उनका कोई एजेंडा है इससे? नहीं, ये तो जो जितने भी भारतीय हैं, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी भारतीय, सबको कश्मीर की असली कहानी बताने के लिए ये फिल्म बनाई गई है, और ये फिल्म बहुत अच्छी है, सबको देखनी चाहिए। कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे, इसमें अनुपम खेर का रोल भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और हाँ, इससे हमें ये पता चलता है कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर कितनी प्रताड़ना हुई है, जिससे कि हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी मुश्किल हालातों का किसी को सामना करना पड़े। साफ़ तौर पे कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, हम देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो टॉकीज के लोग हैं इनसे भी, मैनेजमेंट से भी हम जान लेते हैं। सर, फिल्म को लेके क्या रिस्पांस मिल रहा है, और भीड़ लगातार टैक्स फ्री होने के बाद क्या स्थिति है? आज से टैक्स फ्री हो गई है पिक्चर, और रिस्पॉन्स तो पहले भी बहुत अच्छा था। टैक्स फ्री में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने अपना टैक्स माफ़ किया है 5 रुपये, और सेंट्रल गवर्नमेंट का माफ़ नहीं हुआ था। अगर सेंटर और स्टेट का मिला के हो जाता तो 12 रुपये एक टिकट पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन 5 रुपये का फ़र्क भी बहुत है, लेकिन पब्लिक 5 रुपये के फ़र्क को नहीं देखती, पिक्चर देखती है। वो साफ़ सुथरी पिक्चर है और एक सच्ची घटना पे आधारित है, तो लोग आकर्षित हो रहे हैं उस पिक्चर को देखने के लिए, और देखना चाहिए, अच्छी पिक्चर है। सीधे तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि भीड़ लगातार है, टिकटों के लिए लाइन है, और लोग लगातार पहुंच रहे हैं, और ऐसे में जो टॉकीज में पहुंचे दर्शक हैं उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं फिल्म किसी एजेंडे के थ्रू नहीं, बल्कि कुछ जो हकीकत उस समय हुई थी उसको इस फिल्म में दर्शाया गया है। भोपाल से आदर्श चौरसिया, ATV भारत।